ज्यादा मुश्किल हो गया, ये कोरोना टाइम में एक बम्पर ऑफर है। माफ कर दीजिए सरकार, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। 30,000 है क्या? हाँ सर। ओके सर, अभी तक आपने कितना काउंट किया? मैं पूरी जिंदगी में कार बेचने के लिए कॉइन गिनूंगा करके सोचा ही नहीं था। 15 इयर्स करियर में आप ही पहला कस्टमर हो। व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स, आज हम एक जबरदस्त कार खरीदने वाले हैं। सो कार खरीदने में क्या स्पेशलिटी है, इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें क्या फन है, अगर ये आपका सवाल है तो इसमें जरूर है। सब जैसे कार खरीदे हम वैसा नहीं खरीदने वाले, कॉइन्स चिल्लर से खरीदने वाले हैं। मगर इस अप्रोच में हमें दो प्रॉब्लम्स आएंगे। फर्स्ट, हमें उतने कॉइन्स इकट्ठे करने होंगे। सेकंड, हमें उन शोरूम वालों को इन सारे कॉइन्स को एक्सेप्ट करने के लिए मनाना पड़ेगा। और फिर फाइनली हम काउंटिंग खत्म होने तक वहीं पर वेट करके कार की डिलीवरी लेंगे। मगर इतने प्रॉब्लम्स को झेलकर हमें ये क्यों करना है? बिकॉज यू नो आई एम अ क्रेजी गाय, और फिर हम ये सब आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। और बिलीव मी, इसे शूट करते वक्त मैंने बहुत ही एंजॉय किया, मानता हूँ कि आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं बहुत सारी बैंक्स गया, लाइक HDFC, SBI, एक्सिस, ऐसे कई सारी बैंक्स में जाके मैंने कॉइन्स इकट्ठे किए। सो इन सारे कॉइन्स को कार में लोड करके हम शोरूम जाने वाले हैं। देखिए, एंजॉय कीजिएगा। सो हम कौन सा कार लेने वाले हैं चूज करने के लिए हम शोरूम जा रहे हैं। आर यू रेडी? तो मेरे व्यू से देखने के लिए ये GoPro। पहले हमने वाइजैक शोरूम को चूज किया था, मगर यहाँ पर कार बुक करने के बाद हमें एक महीना वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी हम इस शोरूम को देखने आए हैं। मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पर एक जबरदस्त कार रेडी है। सो लेट्स सी इफ यू कैन बाय अ कार और नॉट। हैवी, थोड़ा पावरफुल कार चाहिए। आई डोंट नो, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग। तो ये सेल्समैन है ना, उन्होंने हमें आते ही यहाँ पे रिसीव किया था। अब एक छोटे से काम से वो बाहर गए हैं लगता है, तो वो वापस आते ही हम उनको पेमेंट के बारे में पूरा बताने वाले हैं। इस कार के लिए उन्होंने 20 लाख बोला। सो लेट्स सी इस पेमेंट को वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, यही हमारा प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो ब्लैक कार है ना, मुझे वही पसंद है सर। सर, हमें अभी पता चला है ये कार को ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया है, उसका पेमेंट भी कर दिया है उन्होंने। इसे सुनते ही कि सारे बैंक जा करके कई सारे लोगों से बात करके कई सारे कॉइन्स को इकट्ठे करके उन सारे कॉइन्स को कार में लोड करके और 100 किलोमीटर ट्रैवल करने का कष्ट और 100 गुना बढ़ गया। लेकिन मेरे बारे में आपको पता है ना, मैं कभी भी उतनी जल्दी हार नहीं मानता। जो हुआ सो हुआ, मैंने उस सेल्समैन से बात करके उस कार ओनर को कन्विंस करने को उनको मना लिया। सर, कस्टमर मानेंगे क्या ये मुझे पता नहीं। चाहे तो आपके लिए एक बार हम बात करके जरूर देख सकते हैं, उनसे पूछे बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। चलो मैं उनको फोन करता हूँ। हाँ बोलिए ना, कौन बोल रहे हैं? सर, आपने क्रेटा SX ऑप्शनल ब्लैक गाड़ी बुक किया है ना आपने? हाँ, बोलिए सर। दरअसल बात ये है कि एक और कस्टमर को भी ये गाड़ी बहुत पसंद हो गया है सर। मैंने तो ऑलरेडी डाउन पेमेंट कर दी है ना। सर, उनको काफी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सर। अरे वो सब रहने दीजिए सर, लेकिन मैं तो पहले ही डाउन पेमेंट कर चुका हूँ ना। इस मामले में आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा ये सब? हमारा टैलेंट दिखाने का टाइम आ ही गया था सर। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने उनसे कहा था बात करने के लिए, मैंने उनको फोर्स किया था आपको कॉल करने के लिए। सर, वो आप दूसरी कार ले सकते हैं ना सर, ऐसे बेफजूल में मेरी कार। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है सर, हम ये जो ब्लैक कार देख रहे हैं वो उस फोन पर बात करने वाले ने ऑलरेडी खरीद लिया था, मगर वो एट प्रेजेंट ओडिशा में बिजनेस के काम से हैं, तो उनको आने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। तो उनके आने से पहले मैं वेयर हाउस से एक नई गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा और इस कार को मैं ले लेता हूँ बोला। मगर जैसे हमने एक्सपेक्ट किया, उन्होंने ना कहा। यहीं पर मैंने एक ट्रम्प कार्ड यूज किया। किसी भी कार ओनर को अगर उसकी कार में कोई और चढ़े तो बहुत गुस्सा आता है। तो 15 दिन के लिए आपकी ये कार शोरूम में बिल्कुल डेमो कार की तरह खड़ी रहेगी, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा कहा। इससे वो सुनते ही, सर मुझे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बस एक ही हफ्ता है, वो सेकंड्स में कन्विंस हो गए। ओके ओके सर, इसे आपके लेने पे मुझे कोई परहेज नहीं है। हाँ। लेकिन आप साथ में रह के उस कार को एक हफ्ते देख सकते हैं ना? हाँ, पक्का सर, आपने सुना ना, नई कार हो वैसे एक हफ्ते में दे दीजिए। अच्छा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। सर, अभी आप ये कार कैश देके खरीदना चाहते हो या फिर चेक देके खरीदोगे? मैंने आते ही कहा था आपके लिए एक सरप्राइज है, मैंने बोला था ना कि आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, वो है 20 लाख मैं आपको चिलर में दूंगा, पूरा 5 रुपए का चिलर। 20 लाख के लिए 20 लाख का चिलर गिनना बहुत मुश्किल होगा सर, ये हमसे नहीं होगा सर, ये बहुत ही मुश्किल होगा सर। नो सर, अगर आप ये अमाउंट हमें DD या चेक करके दे देंगे तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। कॉइन्स नहीं हो सकता है सर, इतना कॉइन कैसे ले सकते हैं? अच्छा ठीक है, आप कितना ले सकते हैं? ये 20 लाख को RBI सील, उसके बाद हम बैंक गए और बैंक में जाके विड्रॉ करके
फिर अगर आपके लिए हम कार में डाल के हम इतनी दूर लेके आए हैं, फिर से हमारा टैलेंट दिखाने का एक और अच्छा मौका। अगर इतना कॉइन ले भी लिया तो इसे गिनने के लिए इतने लोग नहीं है सर हमारे पास, इसीलिए इसीलिए मुझे क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। यहाँ फन ही वो कॉइन्स हैं। अगर इतना कॉइन ले भी लिया तो इसे गिनने के लिए 2 से 3 दिन लगेगा सर। ओ अच्छा, क्या सर प्लीज समझिए। ओके सर, मैं जाके कॉइन्स लेके आता हूँ। ओके सर, जाके लेके आइए। सर चिल्लर देके खरीदने वाले हैं। बेचारे सारे लोग से जोक समझ रहे थे, कॉइन सुन के डर गए। 20 लाख का कॉइन देने वाले हैं, 20 लाख के लिए। तो कॉइन्स के लिए क्यों मान गया? कॉइन्स बोले तो 5 रुपए का कॉइन्स होता है ना, वो सारे कॉइन्स कहाँ रखेगा बे? वो कॉइन्स पूरे आप ही को काउंट करने हैं। गिनने पड़ेंगे। क्या बात कर रहा है? अभी क्या कर सकते हैं, सब मिलके ही गिनना पड़ेगा। मुंह बंद रख। राजू सर, इसको सब काम पे रख के पता नहीं क्या होगा। इसके पहले कभी किसी ने कॉइन्स देके कार खरीदा है क्या? अभी तो पहली बार हो रहा है ये सब। आपको इतने कॉइन्स कहाँ से? बैंक से कॉइन्स लाया था। खाली बैठे बातें कर रहे थे, अब कॉइन गिनने का काम आ जाएगा। इस साल पूरा काउंट करना है सर। वो तो सही है। इतने कॉइन निकलवा लिए आप तो बड़े। अरे बाप रे। दिस इज द फन पार्ट। उनके कलीग्स को लेके और सारे स्टाफ तक कैसे वो उसके लिए मान गए, हमें जिसने सारे कार्स दिखाए थे ना, उनके सारे कलीग्स उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। यू शुड वॉच द एक्सप्रेशन, व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ मॉन्स्टर, यू नो। क्वारंटीन में ये सभी लोग रिलैक्स्ड है ना, सो वी हैव टू गिव देम सम वर्क। यहाँ पर बहुत गर्मी है भाई। हे विजय, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। ये एक्सपीरियंस कैसा है? बता ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया। क्या भाई, काम अच्छा लग रहा है क्या? चलिए जरा आप भी, ऐसा सब होगा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरे पास 100 है। एक बैग, सिर्फ एक बैग में रखे हुए कॉइन्स हैं ये। ऐसे देखेंगे तो हमारे पास 40-45 बैग होने चाहिए, लाइक करीब 7.5 लाख होंगे। को काम दिया तो कैमरा में फेस देखे जा रहा है बार बार। चलो काम करो अपना। तिरुपति में ड्रेस नहीं पहनना। हाँ, उधर सिर्फ अंडरवेयर बनियन डाल के काउंट करना नहीं, है कपड़े वगैरह होते हैं उधर। ए, वैसे सब नहीं होता है यार। नहीं नहीं, सिर्फ इनरवेयर डालना है, वो ड्यूटी का ड्रेस कोड है, सिर्फ वही डालना। तो सर कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? ऐसा कभी किसी ने खरीदा है? कभी नहीं देखा सर। हाँ, पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देख रहा हूँ मैं। इसे गिनना बड़ा ही मुश्किल है सर। अगली बार जब आएंगे तो पैसे यानी कि नोट में ले आना सर, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी। नहीं तो इसे गिनने में ही एक दिन निकल जाता है पूरा। एक दिन? चांसलेस, पक्का 3 दिन लगेगा अकाउंट करने का। अच्छा 3 दिन लगेंगे। अच्छा कार आप देंगे या नहीं आज? गिनने के बाद ही तो दे पाएंगे सर। काउंटिंग खत्म होने के बाद ही देंगे, देख रहे ना गाइस। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आज तक कोई कॉइन देख के यहाँ पर खरीदा नहीं सर। बहुत थ्रिलिंग है ये एक्सपीरियंस। थ्रिलिंग है ना? हाँ सर। इनको एक्चुअली थ्रिलिंग लग रहा है, हमें इनके जैसे लोगों की जरूरत है हमारी सोसाइटी में। कम हियर गाइस, लेट्स काउंट। सॉरी, मैं आपके काउंटिंग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। अभी तक कोई कस्टमर ऐसा कार खरीद नहीं लिया। इससे पहले आपने देखा हुआ ऐसे खरीदते हुए? नहीं सर, ऐसा आप नेक्स्ट लेवल ब्रो। 50 रुपए का नोट लाए तो ही उसको गिनने में रोना आ जाता है, और आप तो देखो 5 रुपए के कॉइन ले आए हैं। सर फटने लगा है, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये सब कब गिन के खत्म होगा और कब हमारा काम खत्म होगा? अरे सर ये सब मत कीजिए सर प्लीज। आपका काउंटिंग खत्म हुआ? एक ही दिन में काउंट करना नाम मुश्किल है, कब खत्म होता नहीं पता। सो टुडे आई बॉट अ कार यूजिंग ओनली कॉइंस। ऐसे कस्टमर 2 आ जाए बस महीने में, पूरा महीना निकल जाएगा यही करने में। Literally there are so many bags full of coins and they are trying so hard to count them. सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर? क्या इसके पहले किसी ने ऐसा खरीदा है क्या? आज तक किसी ने ऐसा हरकत किया नहीं, आप पहले इंसान हो। जल्दी काउंट करो, जल्दी काउंट करो। हाँ 10 गिनते हैं, 2 जेब में डाल लेते। कितने काउंट किया? सो गाइस दे आर रियली स्ट्रगलिंग हियर राइट नाउ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये काउंट करने के लिए, लेकिन हमें वही चाहिए। यू नो वी आर हैविंग सो मच फन राइट हियर एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। ये सभी बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, बट स्टिल
अभी और बहुत टाइम लगेगा ये मेरा कंसर्न है। फिलहाल अभी के लिए कितना टाइम लगेगा अभी पता नहीं, और मोर ओवर यहाँ पर बहुत गर्मी भी है, मगर आपके लिए और सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। लव यू गाइस। क्यों सर, कोई बड़ा बदला ले रहे हैं क्या? बहुत सही पहचाना आपने। कितनी बार भी गिन ले समझ में नहीं आता सर, दिमाग खराब हो गया है। देखिए सर, अभी तक आपने कितना काउंट किया है? 19,000 ही हुए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, चकराने लगा है अब तो। सिक्के देखे, दिमाग खराब कर दिया आपने। चलिए सर, आपने अभी तक कितना काउंट किया है? 30,000 सर। अच्छा 30,000। हाँ सर। सर अभी तक कितना काउंट किया है आपने? सर 15,000 रुपीस सर। सुपर सुपर, अभी तो यहाँ पे बहुत सारे बैग्स पड़े हैं, कब तक काउंट करेंगे? वो काउंट करने का 1-2 दिन लगेगा सर। ओके, बाकी सारी बैग को काउंट करने में आपको कितने दिन लगेंगे सर? 2-3 दिन सर। 2-3 days सर, नहीं गिनना नहीं करेंगे, मतलब मैं अवला टाइम अगला रात तक हो जाएगा सर। अच्छा रात तक कंप्लीट कर देंगे? अच्छा तो रात तक मेरा कार मिल जाएगा। अच्छा रात तक आपको हमारा कार डिलीवर करना होगा? ट्राई करेंगे सर। तो कैसे काउंट कर रहे हैं आप, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है सर। फर्स्ट टाइम? हां। कल मैं एक और कार खरीदने की सोच रहा हूं, तो वो भी मैं ऐसे ही 5 रुपए के कॉइंस में पे करूं क्या? आप ले लेंगे ना? आप लोग को थोड़ा थ्रिलिंग लग रहा हूँ सर, क्यों तो अभी तक किसी कस्टमर कॉइंस से कार खरीद नहीं लिया। ये सब काउंट करने के लिए और कितना वक्त लगेगा? अभी कार के अंदर थोड़े और बैग्स हैं लग रहा है, और कितना देर लगेगा? वो ये काउंटिंग कंप्लीट होने के और 3 दिन लगेगा सर। 3 दिन लगेंगे सोच रहे हैं क्या? अच्छा देखते हैं। जरूरी काम कर रहा हूं, थोड़ी देर। ये सारे कॉइन्स का वेट है 1,000 kgs, तो वहाँ से मेरा मतलब है बैंक से यहाँ तक कैरी करने में हमने बहुत कष्ट लिया था, बट स्टिल आपके लिए सिर्फ आपके लिए ये सब हम कर रहे हैं। होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस। ब्रदर इधर आइए, सब्सक्राइब टू हर्षा साई फॉर यू। क्या सर, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लगता है? एंजॉय? अरे मेरा चेहरा देख के एंजॉय लगता है क्या आपको? चेहरे ब्रेक दीजिए। क्या ब्रेक, आपने तो अभी तक सिर्फ 2 बैग काउंट किए हैं, इतनी जल्दी आपको ब्रेक चाहिए क्या? अरे यार ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, ओके जैसा कुछ पिया तो दिमाग थोड़ा ठंडा होगा लगा। ओके ड्रिंक्स इधर देखिए ना, इनके हाथों का रंग बदल गया है, अब तक खत्म ही नहीं हुआ। दिखाइए, देखिए देखिए इनकी फिंगर्स को देखिए, एक क्लोजअप तो रखो ना, दिखाइए दिखाइए इनको। अपनी लाइफ में कभी ऐसी गिनती नहीं की मैं। देखने में ही ये सब कितना अजीब है ये सब। एक 5 मिनट का सर, सर आपके हाथ को दिखाइए, एक और क्लोजअप, सब कुछ ग्रीन ग्रीन, ऑल ग्रीन। तो पहले से ही काले हैं, उनमें रंग दिखाई देगा पता नहीं मुझे। साफ हाथ मेरा ही है सर। हाँ ये सब 10 रुपीस के कॉइन्स है ना, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ। सर दिखाइए आपके हाथ को, दिखाइए। स्ट्रगल गाइस, रियल स्ट्रगल, बस गिन ही रहे हैं। और कैमरा लाइए। हेलो, पास आइए मैम, ये काउंटिंग एक्सपीरियंस कैसा है? ओह मैंने काउंटिंग को डिस्टर्ब कर दिया। मैम कैसा है ये एक्सपीरियंस? ये तो बहुत मुश्किल है सर, इतना चेंज तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं सर। इसे गिनना तो उससे ज्यादा मुश्किल, मुश्किल है। मुझे लगता है कि इतनी काउंटिंग आपने कभी नहीं की। नहीं सर नहीं। ये सारे काउंटिंग को खत्म करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे तो लगेंगे सर, 3 घंटे सर। ऐसा क्या? अभी तो बहुत सारे बैग्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर, तो 3 दिन लगेंगे सर। मुझे लगा सिर्फ इतना है, वो तो मैंने देखा ही नहीं था। ओके, मगर मुझे कार की डिलीवरी आज ही चाहिए, विद प्लेजर। काउंटिंग में भी कोई गलती हुई तो हमें परवाह नहीं, आप मुझे कॉल कीजिए काफी है, लेकिन कार की डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए। इन सबको नोट करना पड़ेगा। अच्छा पेपर वर्क, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट में हो जाएगा सर। एक्चुअली हमारा डेली काम 1-2 घंटे में हो जाते हैं, मगर ये काम करने का 3 दिन लगते। कंपनी से ज़्यादा सैलरी आप ही देना पड़ेगा सर। अच्छा ऐसा है, देखिए ये मुझसे ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं। अगली कार में 1 रुपए के कॉइन्स देके लूंगा। बाप रे। अगली कार में 1 रुपए के कॉइन्स देके लेने वाला हूँ। वो बात सुनने के थोड़ा मुश्किल लग रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब तक बहुत लोगों को काउंटिंग करने में स्ट्रगल हो रहा है, इसके बाद लगता है कि अच्छा ये आपका शिफ्ट है, आपका शिफ्ट आ गया क्या? हाँ। तो आप बोलिए, आपको किसी ने ऐसे कॉइन्स दिए हैं क्या? कॉइन्स, अरे यहाँ पे तो और कॉइन्स रखे हैं सिर्फ आपके लिए। Almost 20 kgs. तो ये सब कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? बोल नहीं पाएंगे सर, टाइम बहुत कंज्यूम होगा। बहुत टाइम लगेगा क्या? वहाँ वहाँ ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। They are taking a break. Break time. Break time. Let's see. देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये
यहाँ पे जितने लोग आए हैं आज तक कभी किसी ने कॉइन देके गाड़ी नहीं खरीदा। लगता है आप पहले कस्टमर हैं। आप भी मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स में शामिल हो सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके एक स्क्रीनशॉट और इंस्टा में मुझे फॉलो करने के बाद एक स्क्रीनशॉट अगर आप इस नंबर पर फॉरवर्ड करेंगे तो मैं एक लकी विनर को मेरे साथ ले जाऊंगा। So, we did it, guys. काम नहीं कर रहा हूं। And this is awesome. थोड़ा आगे देखिए। Okay. ये एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? क्या आपके पास किसी ने बैग्स में कॉइन्स लाकर आपसे कार खरीदा है? मेरा 15 इयर्स करियर में यही है फर्स्ट टाइम। आज दिन को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकता। हम लोग अभी तक 500 कार सेल किया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट।